इसके बाद जो हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं सीक्वेंस डायग्राम में, इस तरह से ये जो हम मैसेजेस सेंड करते हैं मैसेजेस, इसमें फिर इस स्केयर बॉक्स को बस छोड़ दें, इसका कोई फायदा नहीं। ये हम मैसेजेस सेंड करते हैं, ये आप देख रही हैं, ये डॉटेड मैसेजेस वापस आ रहा है, ये सॉलिड मैसेज है। तो इन मैसेजेस की भी टाइप हैं, ठीक है। फोर टाइप्स ऑफ मैसेजेस हैं जो हम सीक्वेंस डायग्राम में यूज कर सकते हैं। दिस इज सिंपल मैसेज, दिस इज सिंक्रोनस मैसेज, रिटर्न मैसेज एंड एसिंक्रोनस मैसेज, ठीक है। देयर आर फोर काइंड ऑफ मैसेजेस। सिंपल मैसेजेस को लाइन एंड विद सम काइंड ऑफ दिस एरो यूज किया जाता है, सिंक्रोनस मैसेज लाइन एंड विद फील्ड एरो यूज किया जाता है, ठीक है। और रिटर्न मैसेज जब भी आप लोग भेजेंगे, आप देख रहे हैं कि डायग्राम में भी वो इस तरह डैश या डॉटेड एरो वापस रिटर्न मैसेज आता है। एसिंक्रोनस मैसेज जो है वो लाइन और इस तरह से सिंगल। तो दीज आर फोर। क्या होता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में? सिंक्रोनस ये होता है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है कि आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो और अपने काम पे लग जाते हो। लाइक आपने क्या किया कि आपने सपोज करें कि एक रिक्वेस्ट सेंड की और अपने काम पे लग गए, आपने प्रपोजल अपना सेंड किया और अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन पे लग गए, ये है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में ये होता है कि आप मैसेज सेंड करेंगे, वो आपको रिटर्न बैक मैसेज सेंड करेगा, फिर आप मैसेज सेंड करेंगे, फिर वो आपको रिटर्न बैक मैसेज सेंड करेगा, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन।